और इधर सामने भी देख लीजिए कि भीगते बारिश में लोग कैसी कैसी। कहाँ ले आज हो? रायपुर ले। कितना बजे निकले रहे? 11 बजे। ट्रेन में आ था? हाँ, मौसम तो माहौल तो खराब है रायपुर में। तब बोले आ था ऐसे पानी गिरी तो कैसे करा? ऐसे कर बोले भगवान साहिब का ही बोले ना। अच्छा, पानी गिरी तब हो रही है? अच्छा, तो कैसे लगते है यहाँ? यहाँ पहुँच के कैसे लगाते? अच्छा लगाते। मौसम खराब है, व्यवस्था गड़बड़ आ गए है अभी पानी की वजह से? तब बोले बढ़िया लगाते। ऐसे तब पूरा कथा सुने के बाद ही रहा? अच्छा ठीक है दाई, ठीक है। आप लोग कहाँ से हो? कहाँ से आए हो? दुर्ग से। बारिश तेज होगी तो कैसे करोगे? तेज होगी फिर भी सुनोगे? तो देख सकते हैं दोस्तों, बोल रहे हैं लोग। कब से निकले थे आप? हाँ, 11 बजे से तैयार होकर बैठे घर में। अच्छा, बारिश के कारण रुके थे। अच्छा, और बारिश होती फिर भी आते आज? फिर भी आते। तो कहाँ ले आए जो? रायपुर से। और आप लोग कहाँ ले आए? रायपुर सब। अच्छा, तो अभी कितना बजे से निकले थे वहाँ से? 11:30 बजे। 11:30 बजे। अब मौसम देख के लगा था कि बहुत पानी गिरी? पानी छोड़ दी था, भोलेनाथ के दर्शन कर लो कहीं कहा है मेरा। अच्छा, अब पानी गिरी था कैसे करा? तब बैठे रही। ऐसे सुबह ले वैसे मौसम खराब है ना, पानी गिराते तब बोले आया? ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं शिव भक्तों को, सामने भी देख सकते हैं लोगों को बैठ जा रहे हैं, जहाँ भी जगह की व्यवस्था हो रही है वहीं बैठ जा रहे हैं। इधर भी बैठे हुए हैं दोस्तों लोग, देख सकते हैं टेंट के अंदर टेंट बिछा करके। जहाँ बारिश होगी तब कैसे करेंगे? तेज बारिश होगी तब कैसे करेंगे? अभी भी आई थी तो बैठे हुए थे, अभी भी बैठे ही हुए। अच्छा, और आएगी फिर भी बैठे रहेंगे? तो इस तरह से सुन सकते हैं दोस्तों लोगों की अद्भुत आस्था और भक्ति। लोग बोल रहे हैं कि चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे तेज बारिश हो, फिर भी वे अपने जगह पर बैठे रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है। आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अच्छा, तो अभी बारिश मौसम को देख के लग रहा है कि तेज बारिश होने वाली है। तो तेज बारिश होगी तो कैसे करोगे, क्या करोगे? फिर भी सुनोगे? अच्छा, और आप फिर भी सुनोगे? अच्छा, और आप पानी गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है। अच्छा, हाँ। तो कितना बजे से निकले थे? एक घंटा हो गया। तो मालूम था कि बारिश होगा फिर भी आए हो? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। ऐसी भक्ति दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों की अद्भुत भक्ति। कहाँ ले आया तुम? मनो दुर्ग ले आया। अच्छा, कितना बजे के निकले रहा? 9:30 बजे निकले सुबह के। पानी गिरत मा? पानी गिरत में निकले हैं। कैसे? वो फिर जगह मिल गई से है, पानी धारा पड़ा ही सही है। एकदम जगह गिल्ला हो के, कपड़ा मन गिल्ला हो के, कोई जगह नहीं छोटे से। अच्छा, निकलते हैं पानी रुकी तार फेरे पर रुक के बैठ गए। ऐसे भोलेनाथ की कृपा बरसने वाला है। तो लोगों की आस्था, लोगों के प्रति, शिव जी के प्रति भक्ति यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोगों को मालूम है कि कल रात से मौसम खराब है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम ठीक हो नहीं रहा है, फिर भी शिव भक्त जो है वो लगातार छाता लेकर के बैठने के लिए, रेनकोट लेकर के यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और अपना जो शिव भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और लगातार दोस्तों बस ऐसा ही मौसम बदलते जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, पर फिर भी शिव भक्तों को आप देख सकते हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कथा पंडाल पे पहुंच रहे हैं और अपना आसन ग्रहण करके शिव महापुराण कथा का श्रवण करने के लिए विराजमान हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज शिव महापुराण कथा के 6वें दिन पर एक अद्भुत और अविश्वसनीय माहौल बना हुआ है।
तो इस वीडियो को सारे शिव भक्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए।